टीवी इंडस्ट्री के सबसे चर्चित टीवी सीरियल तारक मेहता के उल्टा चश्मा के दर्शकों के लिए एक बुरी खबर है। सीरियल में महत्वपूर्ण रोल निभा चुके और कई हिंदी और मराठी फिल्मों का हिस्सा रहे एक्टर सुनील होलकर का निधन हो गया है। सुनील ने 40 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सुनील के जाने से उनके परिवार में मातम पसर गया है। उनके परिवार में माता पिता, पत्नी और दो बच्चे थे। अभिनेता के दोनों बच्चे उम्र में काफ़ी छोटे हैं। एक्टर के अचानक इस दुनिया से चले जाने से उनके फैंस भी काफ़ी निराश है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुनील होलकर एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उन्हें लीवर सोराइसिस था, जिसे लेकर वो लगातार डॉक्टर के कंसल्ट भी कर रहे थे, लेकिन अचानक उनकी हालत बिगड़ गई और 13 जनवरी को उन्होंने आखिरी सांस ली। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अपने दमदार हंसी और ठहाकों से सुनील ने दर्शकों को खूब हंसाया था। सुनील होलकर आखिरी बार नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म गोस्ट का पैठानीची में काम करते नजर आए थे। सुनील ड्रामा, फिल्म और टीवी सीरियल्स के जरिए लगातार दर्शकों का मनोरंजन कर रहे थे। वो मनोरंजन जगत में 12 साल से भी ज्यादा समय से एक्टिव थे। ऐसे में उनके जाने से तारक मेहता में उन्हें देखने वाले दर्शक काफ़ी निराश है। फेमस सीरियल में उनका किरदार आज भी दर्शकों को याद है। लगता है सुनील होलकर को पहले से ही इस बात का एहसास हो गया था कि उनके पास अब समय नहीं बचा है। उन्होंने अपने एक दोस्त से अपना आखिरी मैसेज व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर करने को कहा था, जिसमें उनका कहना था कि ये उनका आखिरी पोस्ट है। सुनील ने कई सालों तक अशोक हाट की सौरंगा नाट्य संस्था में भी काम किया था। अब एक्टर का आखिरी मैसेज सरसा में है, जिसे लेकर उनके परिजन और दोस्त काफ़ी दुखी है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।